वॉचिंग खबर फेस टू फेस। दर्शकों स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में, मैं जिशान आजमी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। आज से मालवनी पुलिस स्टेशन ने जो पब्लिक के साथ इंटरेक्शन का एक प्रोग्राम रखा था, इसमें हमने कुछ चोरी हुए मोबाइल पब्लिक को वापस किया है। उसके साथ 8 से 10 बच्चों की जो साइकिल चोरी हुआ था उनको उनका रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी वापस किया है। और पब्लिक के साथ हमारा एक इंटरेक्शन हुआ है शनिवार को, जो हम लोग पब्लिक से बहुत ज़्यादा उनके पब्लिक के इश्यूज में मिलते हैं उनको सॉर्ट आउट करने का एक इनिशिएटिव रहा। तो बछेड़ी मालवनी क्षेत्र में कहीं ना कहीं कम होने का नाम नहीं लेते। मैदान में जहाँ बच्चे लोग खेलते हैं वहाँ पर बैठते हैं, रात में बैठते हैं, मैदानों में बैठते हैं, तो उसका किस तरह से समाधान निकला है? मालवनी पुलिस स्टेशन ने पिछले एक साल में जो ड्रग्स के केसेस है उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में कार्रवाई की है। 50 से ज़्यादा आरोपी को मालवनी से तड़ीपार किया गया जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। फिर भी जो सार्वजनिक स्तर पर बैठ के इस तरह का ड्रग्स का सेवन करने वाले या उनको देने वाले ऐसे जो आरोपी हैं उनको एक एक को चेक करके सबके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। यहाँ पर भूमाफिया भी बहुत है जो इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं और जो इंक्रोचमेंट है जगह जगह फुटपाथ पर, तो इस पर क्या कार्रवाई? इसमें हमारी बहुत ही स्ट्रिक्ट भूमिका है। जो जो सार्वजनिक जगह पे बीएमसी की मालमत्ता पे वहाँ पर गार्डन वगैरह में इलीगल बांध काम करते हैं, बीएमसी को हम इमीडिएटली उसके लिए प्रोटेक्शन उपलब्ध करवाएंगे और बीएमसी की मदद से इन सब पे कार्रवाई की जाए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। दादा भाई थोड़ा हाथ होगा आपको, आपको अगर, आपको अगर अगले 2 से 3 दिन में पहुंच नहीं दिखे तो आपको कम से कम आपको अलग से बुला तुम्ही एक काम करा, तुमच्याकडे जो कागज आहे तुम्ही बन्सल साहेबांना संध्याकाळी 4 वाजता द्या आणि आपले मालवण सर स्टेशन हाऊस ला तर सर थोडं पण पब्लिक लोकांना हे नाही होत। आपण तुमच्यासाठीच आहे, ऑपरेट करणे आमचे कर्तव्याचा भाग आहे, आपण काळजी करू नये, मी व्यवस्थित सूचना देतो आमचे लोक तुम्हाला व्यवस्थित। थँक्यू। माझ्या नवऱ्याला 3 महिने 2 दिवस झाले मर्डर होऊन 5 आरोपी पकडले, 3 नाही पकडले। आपण सर्वांना पकडू, चार्जशीट करू। आपण आणि माझ्याकडे ना तिची ही बघ ही माझी सगळ्यांना तिचे लहान लहान मुलं आहेत, मला ना भरपूर त्रास यायचा ऐकलं काय आणि माझा ऐका कारण मी एक ना हाऊस वाईफ म्हणून मी आली आहे। कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है, आखिर क्या हम लोग को हिंदू धर्म का न्याय नहीं मिलेगा क्या सर? ये लड़का कौन लड़का है? मेरा लड़का है मालवण, ये अपने रतौड़ी गांव में रहते हैं। सर इनको बंसल सर को पता, हमें 3 साल से दौड़ रहे, मेरा कोई न्याय नहीं हो रहा। क्या नाम आपका? मेरा सुमन यादव है। सुमन यादव, ठीक है हम देखेंगे। सर मैं जो जाके थक गई हूँ, मैं टिट वाला थाना जाती हूँ, वहाँ के भी बोलेंगे मैं टाइम देता हूँ, टाइम देता हूँ। आपका विषय मेरे को याद है, टिट वाला में कंप्लेंट रजिस्टर वही है ना, हम करेंगे टिट वाला से भी एक बार बात करो। सर मैं अभी जाके, मैं अभी 1 हफ्ता हुआ जाके आ रही, खाली धक्का खा रहा और बच्चे लोग आप, नहीं आप, आप मत जाइए, हम बात करेंगे, आप मत जाइए, हम बात करेंगे, हम बताएंगे आप। ठीक ठीक, थैंक यू, थैंक यू सर। कौन सा पुलिस ठीक है, अभी बात करते हैं, व्हाट्सएप से बात करते हैं, आपको अलग से बैठा के सुनेंगे सर। सर हमें काफ़ी टाइम से जो तकरार हो रही चुकी है, कैंटीन की आते ही सर मसड़ी जो ओपन प्लॉट है जो मेरा तुर्की है भाई, सर मैं इतनी परेशान हूँ पूरी सोसाइटी में, मेरे को फोन कर सर, पूरा इशू खत्म होना चाहिए। आपको अगर अगले 2 से 3 दिन में फर्क नहीं दिखे
तो आपको बंसल साहब से आगे मिलते आपका काम हो जाए। थैंक यू सर। आने कसं गरीब लोक असे एवढे आहेत की आम्ही एक संस्था घेऊन संस्था चालवते बहुजन अन्य तर त्यांची तक्रार आमच्याकडे असे किती पेंडिंग अजून कागद आमच्याकडे पडले। तुम्ही एक काम करा, तुमच्याकडे जो कागद आहे तुम्ही बंसल साहेबांना संध्याकाळी 4 वाजता द्या आणि आपले मालक5 आरोपी पकडले ही बघा ही माझी सेकंड आहे तिचे लहान लहान मुलं आहेत आम्हाला ना भरपूर त्रास आहे सर ऐकलं काय आणि माझं ऐका कारण मी एक ना हाऊस वाईफ म्हणून मी आली आहे ताई तुमचा विषय आमच्यापर्यंत आलेला आहे आपण व्यवस्थित कार्यवाही करू। ताई तुमचा विषय आमच्यापर्यंत आलेला आहे आम्ही व्यवस्थित कार्यवाही करू। आम्हाला मदत कर, आम्हाला न्याय लड़का दीदी मालोनी सगाई भी कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है। आखिर क्या हम लोग का हिंदू धर्म का न्याय नहीं मिल रहा है क्या सर? एक ये लड़का कौन लड़का है? मेरा लड़का है मालोनी, अपना रातौड़ी गाँव में रहते हैं सर। इनको बंसल सर को पता है, मैं 3 साल से दौड़ रही, मेरा कोई न्याय नहीं हो रहा है। क्या नाम आपका? मेरा सुमन यादव है। सुमन यादव, ठीक है, हम देखेंगे आपका, हम खुद देखेंगे। सर मैं जो जाके थक गई हूँ, अम्मा टिटवाला थाना जाती हूँ, वहाँ के भी बोलेंगे मैं टाइम देता हूँ, टाइम देता हूँ। आपका आपका विषय मेरे को याद आया, टिटवाला में कंप्लेंट रजिस्टर वही है ना? हम करेंगे, टिटवाला से भी एक बार बात करोगे? करेंगे सर। मैं अभी जाके, मैं अभी एक हफ्ता हुआ जाके आ रही हूँ, खाली धक्का खा रहा हूँ और बच्चे लोग हमारे नहीं है। आप मत जाइए, हम बात करेंगे, आप मत जाइए, हम बात करेंगे, हम बताएंगे आप। दादा भाई थोड़ा हाथ होगा आपको, आपको अगर आपको अगर अगले 2 से 3 दिन में पहुँच नहीं दिखे तो आपको कम से कम आपको अलग से बुला तुम्ही एक काम करा, तुमच्याकडे जो कागद आहे तुम्ही बंसल साहेबांना संध्याकाळी 4 वाजता द्या आणि आपले मालक सर स्टेशन हाऊसला तर सर थोडं पण पब्लिक लोकांना हे नाही, आपण तुमच्यासाठीच आहे, ऑपरेट करणे आमचे कर्तव्याचा भाग आहे, आपण काळजी करू नये, मी व्यवस्थित सूचना देतो आमचे लोक तुम्हाला व्यवस्थित। थँक्यू। माझ्या नवऱ्याला 3 महिने 2 दिवस झाले मर्डर होऊन 5 आरोपी पकडले, 3 नाही पकडले, आपण सर्वांना पकडू, चार्जशीट करू। आपण आणि माझ्याकडे ना तिची ही बघ ही माझी सेकंड आहे, तिचे लहान लहान मुलं आहेत, मला ना भरपूर त्रास व्हायचा ऐकलं काय आणि माझं ऐका कारण मी एक ना हाऊस वाईफ म्हणून मी आली आहे। ताई तुमचा विषय आमच्यापर्यंत आलेला आहे, आम्ही व्यवस्थित कारवाई करू। आम्हाला मदत कर, आम्हाला न्याय, 100% कारण ते लोक सुटून आले ना परत आमचा जीव घेऊन, 100% होईल सर। 3 साल हो गया, मेरा लड़का अभी भी मालोनी सगा है, वो कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है। आखिर क्या हम लोग का हिंदू धर्म का न्याय नहीं मिलेगा क्या सर? ये लड़का कौन लड़का है? मेरा लड़का है मालोनी, अपना रातौड़ी गांव में रहते हैं। सर इनको बंसल सर को पता है, मैं 3 साल से दौड़ रही, मेरा कोई न्याय नहीं हो रहा है। क्या नाम आपका? मेरा सुमन यादव है। सुमन यादव, ठीक है, हम देखेंगे। सर मैं जो जाके थक गई हूँ, अम्मा टिटवाला थाना जाती हूँ, वहाँ के भी बोलेंगे मैं टाइम देता हूँ, टाइम देता हूँ। आपका विषय मेरे को याद है, टिटवाला में कंप्लेंट रजिस्टर वही है ना? हम करेंगे, टिटवाला से भी एक बार बात करोगे? सर मैं अभी जाके, मैं अभी एक हफ्ता हुआ जाके आ रही, खाली धक्का खा रहा और बच्चे लोग हमारे नहीं है। आप मत जाइए, हम बात करेंगे, आप मत जाइए, हम बात करेंगे, हम बताएंगे आप। ठीक ठीक, थैंक यू, थैंक यू सर।